नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 9th के एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को कवर किया है और इसमें हमने अब तक 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और इस चैप्टर में आपको कुछ फॉर्मूलास को जानना है जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि बीजीय सर्वसमिकाएं। इन सर्वसमिकाओं का उपयोग करके हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि इन फॉर्मूला का यूज करके ना सिर्फ आप क्लास 9th के मैथ्स को, क्लास 10th के मैथ को, आप इस फॉर्मूलास का यूज करके कॉम्पिटिशन एग्जाम के मैथ्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है और इनका यूज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला आइडेंटिटीज यानी कि फर्स्ट सर्वसमिका यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसके बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो आज हम लोग उसी फॉर्मूलास को डिस्कस करेंगे और साथ ही उस फॉर्मूलास को कैसे डिराइव किया जाता है वह भी सीखेंगे क्योंकि आप क्लास 8 में नहीं क्लास 9th में हैं और उसका डिराइव करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला जो सर्वसमिका है वह है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है यानी कि इसे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम लोग पिछले कक्षाओं में करते आ रहे हैं, हमें इस x को इस वाले x के साथ गुना करना है और इस x को इस वाले y के साथ गुना करना है। तो यहां पर हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड x इंटू वाई, यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये एकदम आसान वाला स्टेप है। इसके बाद इस y को हमें इस x के साथ गुना करना है, फिर से इस वाले y को इस वाले y के साथ गुना करना है, ठीक है। तो यहां पर y इंटू एक्स हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि y x को हम लोग एक्स वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम टर्म है, समान पद है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स वाई प्लस y इंटू वाई हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और हमें क्या करना है, यहां पर और यहां पर जो समान पद दिख रहा है उसे जोड़ देना है। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने यह फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा और इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बस रिकैप कर रहे हैं और साथ ही इसका डेरिवेशन सीख रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट बीजीय सर्वसमिका है जिसका यूज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड सर्वसमिका यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो जैसे हमने x प्लस वाई को डिराइव किया था, सेम हमें x माइनस वाई के फॉर्मूला को भी डिराइव करना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जी हाँ, इसका फॉर्मूला डिराइव सेम उसी प्रकार से होगा जिसे हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स को इस वाले x और फिर इस वाले y से गुना करना है, और यहां पर y लिखा हुआ है इसे इस वाले x और इस वाले y से गुना करना है। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि यहां पर साइन क्या है, माइनस का है, और यहां पर भी साइन माइनस का है। तो जब यह x इस वाले y से गुना होता है तो इसके आगे में जो माइनस है तो यह वाला माइनस यहां पर आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस y यहां पर है इस वाले x से इंटू होगा तो यह भी माइनस एक्स वाई फॉर्म करेगा, और फिर से यह माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाता है हमारा, प्लस वाई का स्क्वायर। अब माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई, हमें पता है माइनस माइनस होता है प्लस और साइन लगता है माइनस का, तो हम लोग इसे यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर हमें दूसरा फॉर्मूला मिला जिसे हम पहले से भी जानते थे,
क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसे भी हम लोग यहां पर अरेंज कर देते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा जो हमारा सर्वसमिका है वह है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को जब हम लोग इंटू करते हैं तो हमें एक और आइडेंटिटी मिलता है। जी हाँ, तो यहां पर हमें क्या करना है, इस x को इस वाले x से और इस x को इस वाले y से गुना करना है, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला y को इस वाले x से गुना करेंगे और फिर से इस y को इस वाले y से हम लोग गुना करेंगे। तो यहां हमें मिल जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई प्लस, यहां पर तो प्लस एक्स वाई। अब यहां पर देखिए, यहां माइनस वाई है, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहां पर हो जाएगा माइनस वाई एक्स को हम लोग लिखते हैं एक्स वाई, माइनस वाई और प्लस वाई। अभी हमने जस्ट यहां क्या सीखा कि माइनस और प्लस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां पर माइनस वाई और प्लस वाई इंटू हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर होगा। और इसे हम लोग लिखेंगे, ये प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि जो थर्ड हमारा आइडेंटिटी है उसे हम लोग यहां पर अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ब्रैकेट एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। चौथा जो हमारा आइडेंटिटी होने वाला है वह इन तीनों आइडेंटिटी से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें एक और हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड करने वाले हैं और वह है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी हो जाएगा बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स हो जाएगा ए एक्स एंड ए इंटू बी होगा यहां पर ए बी, क्योंकि यहां पर प्लस और प्लस है इसलिए सारे जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। इसे हम लोग और एक फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहां पर बी एक्स और यहां पर ए एक्स, एक्स एंड एक्स क्या है हमारा कॉमन है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इस एक्स को कॉमन निकाल लेना होगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स, तो इस वाले ब्रैकेट को जब हम लोग ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स इंटू ए एंड एक्स इंटू बी, जो हमारा यहां और यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस ए बी को यहां पर लिख देना है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो हमारा चौथा जो आइडेंटिटीज है वह है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी के बाद चौथा आइडेंटिटी है जिसे हमें याद रखना है, ठीक। अब इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करने वाले हैं। एक बात और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, कहीं पर आप लोग यह भी एक्सप्रेशन देखते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। जी हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यह जो एक्सप्रेशन है सेम इसी प्रकार है, ठीक है, क्योंकि यहां पर x प्लस वाई लिखा हुआ है, यहां पर a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि यह अलग वाला एक्सप्रेशन है और यह अलग वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर वन, टू और थ्री को हमें कैसे सॉल्व करना है। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर वन में कहा जा रहा है कि उपयुक्त सर्वसमिका का यूज करके निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी तक हमने इन चार फॉर्मूला को देखा है और इन्हीं चार फॉर्मूलाज का यूज करके, इन्हीं चार सर्वसमिका आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 एंड x प्लस 10, ठीक है, x प्लस 4 गुना x प्लस 10। ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो x प्लस 4 एंड x प्लस 10 ये कौन सा आइडेंटिटी को मैच कर रहा है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर? नहीं, क्योंकि इसे x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई के फॉर्म में ही हमें लिखना होगा। x माइनस, तो वहां माइनस वाला कोई टर्म नहीं है, फिर से माइनस, माइनस वाला कोई टर्म नहीं है। x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस 4, x प्लस 10, यानी कि ये फोर्थ आइडेंटिटी को मैच कर रहा है और इसका यूज करेंगे और इसे हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर देंगे। अब यहां पर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात कि हमें आइडेंटिटीज का यूज करना क्यों पड़ता है, तो आइडेंटिटी क्या होता है, सॉल्व किया हुआ एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, उसके रूप में जो हमें दिखता है उसे बस पुट करते हैं और हमें आंसर्स मिल जाता है। यानी कि हम लोग समय की बचत करने के लिए क्या करते हैं, इन फॉर्मूलास, इन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। जैसा कि हमें ये वाला आइडेंटिटी इस वाले क्वेश्चंस को मैच करता दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इस वाले आइडेंटिटी को क्या करना होगा, इसमें पुट कर देना होगा। यानी कि x प्लस 4 और x प्लस 10 का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एक बार हम लोग लिख लेंगे, ये x प्लस ए एंड x प्लस बी के रूप में है और इसे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब हमें क्या करना है, यहां पर पुट कर देना है, तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स है, एक्स की जगह एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि 4 प्लस 10, ये ए हमारा, ये बी है, तो 4 प्लस 10 एक्स का एक्स प्लस ए इंटू बी, फिर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 14 प्लस 14x, अब यहां पर प्लस है तो प्लस 40, और ये आपका आंसर कंप्लीट। अगर ये आइडेंटिटी हमारे पास नहीं होता तो हमें क्या करना होता, वो ट्रेडिशनल वाला मेथड यूज करना पड़ता, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, जिससे हमें अधिक टाइम लग सकता था, लेकिन जैसे ही हमने आइडेंटिटी यूज किया हमें आंसर बहुत ही जल्द प्राप्त हो गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 का, हमें कैसे सॉल्व करना है। एक्स प्लस 8, एक्स माइनस 10, तो यहां पर हम लोग इसे लिख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है एक्स प्लस 8 एंड एक्स माइनस 10, तो यह जो क्वेश्चन है इस वाले आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, लेकिन यहां पर प्रश्न यह उठता है कि यह माइनस है और यह प्लस है, तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे x प्लस 8 और x, यहां पर हो जाएगा x प्लस, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं हम लोग, माइनस 10, ठीक है। अब यह हो गया x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में, यहां पर बी क्या है, माइनस 10 है, तो सेम हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला है x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में हम लोग मैच कराएंगे और इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहां पर ए 8 है और बी माइनस 10 प्लस 8 इंटू माइनस 10, ठीक है। अब इसे हम लोग हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 10 2, वो भी चिन्ह माइनस का, क्योंकि यहां पर 10 क्या है, बड़ा है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 80। फिर इसे हम लोग लिखेंगे यहां पर x, ये फॉर्मूला में x छूट रहा है, यहां पर x को हमें मैनेज करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, इसे भी हमें इस तरीके से अरेंज कर लेना होगा, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस को प्लस कर देंगे, यहां पर करेंगे माइनस 5,
क्योंकि प्लस माइनस फिर से हमें माइनस मिल जाएगा, और इसे भी हम लोग इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ डिफरेंट वाले आइडेंटिटीज का किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। अब ये किस वाले आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, यहां पर देखिए y माइनस 3/2, y प्लस 3/2, यहां पर क्या है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। इसे हम लोग कुछ देर के लिए चेंज कर देते हैं, यहां पर करते हैं x प्लस वाई, यहां पर कर देते हैं x माइनस वाई। एक्स की जगह क्या है वाई स्क्वायर, वाई के स्थान पर क्या है 3/2, फिर से x की जगह क्या है वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है 3/2। तो ये आपका आइडेंटिटी 3 में पुट करने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसे हम इसके थर्ड आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये आपका फॉर्मूला मैच करेगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये वाले आइडेंटिटी में इसका यूज करना है। और इसे हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि यह क्या हो जाएगा y का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख देंगे y का पावर 4, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 2 2 4, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना है। अब इसके लास्ट वाले क्वेश्चन 3 - 2x 3 + 2x x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये आपका इसी वाले आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, ठीक है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या है 3 और y के स्थान पर क्या है 2x, तो इसे हम लोग पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2 2 4 एक्स का स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।